विधानसभा में पिछले विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो 23 मार्च को जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आपने देखा किस तरह से विधायकों की पिटाई हुई। हालांकि कई महीने गुजरने के बाद कल एक फैसला आया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उतने विधायकों को बस 2 पुलिसकर्मियों ने पीटा था। ऐसे सवाल इस वक्त राजनीति गलियारों में टहल रहे हैं। हमारे साथ बिहार के सिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है चेतन जी, जो इंसाफ की बात हो रही है, क्या इंसाफ मिल गया? देखिए, इंसाफ कहाँ मिला, आप वीडियो निकालिए, आप देखिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, किसने क्या किया था। अभी भी हम बोल रहे हैं वो 2 का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 15-20 ऐसे लोग थे जिन्होंने बदसलूकी की थी, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के विधायकों के ऊपर हाथ छोड़ने का काम किया था। वैसे लोगों को नामजद नहीं किया गया, वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ये तो एक ढोंग हम मानते हैं। हाँ, ये एक तरीके से बोलिए कि किसी तरीके से मतलब मेकशिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मेकशिफ्ट से काम नहीं चलेगा। जब तक सही में असली मुजरिमों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने विधायकों के ऊपर बदसलूकी की, वैसे लोग जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, हमारा ये मानना है ये अधूरा इंसाफ है, ये आधा इंसाफ है, और आधा इंसाफ कभी भी इंसाफ नहीं होता है। बिल्कुल, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आप लोग भी उसमें मौजूद थे। आगे मानसून सत्र में कैसे आप लोगों की बातें रखी जाएगी वहाँ पे, और क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे पार्टी के जो मुख्य सचेतक थे वो बैठक में गए थे और सारी बातें उधर की गई हैं, सब लोग उधर थे, और हम लोगों को भी गाइडलाइंस दे दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विधायक हैं आरजेडी के चेतन आनंद, और जिस तरह से 23 मार्च को विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस वक्त जो कुछ भी हुआ विधानसभा के इतिहास में वो दर्ज हुआ है काला दिन, जब विधायकों की पिटाई हुई। हालांकि महीनों गुजरने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा कि उन विधायकों के ऊपर जो पिटाई हुई थी, जो पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे, उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, यानी कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। तो विधानसभा के इतिहास में दर्ज हुआ वो काला दिन, जिसके बाद महीनों गुजरने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि उन 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब विपक्ष के विधायक ये चाहते हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ अभी भी नहीं मिला है, क्योंकि उन तमाम विधायकों को सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों ने नहीं पीटा था, कई ऐसे विधायक हैं, वीडियो फुटेज ठीक से नहीं देखा गया है। ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि आज 26 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, और विधायकों ने यह कहा है कि एक बार फिर से आवाज़ जो है वो सदन में बुलंद होगी। अपने सहयोगी बिरजू के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना।